अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ गाइस, बिकॉज़ आई वाज नॉट वेल। गाइस, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी और मैं क्यों नहीं आ पा रही थी आप लोगों के बीच, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए डिज़ाइन कुर्ती के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, पहले मैंने कुर्ती पे सोचा कि चौक मिट्टी से बना लूँ, बट मुझे नहीं ठीक लगा। मैंने यहाँ पेपर पे बनाया है, पेंसिल से ड्रा किया है। ये देखिए वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं ड्रा कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे छोटे फ्लावर की को ड्रा करना था, इसलिए मैं यहाँ पे छोटे फ्लावर की को पेंसिल से ड्रा कर रही हूँ अलग पेपर पे, और उसे मैं होल करके और फिर इसी को छापूंगी, छपाई करूँगी कुर्ती पे। तो कस्टमर की डिमांड थी कि वो छोटे फ्लावर की पेंटिंग मुझे मेरे कुर्ती पे बनाए, तो वही मैं बना रही हूँ और ये वीडियो भी बनाकर शेयर कर रही हूँ आप लोग के बीच। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बना लिए हैं। इस तरह से मैं बीच में कुर्ती के बीच में दूंगी और छोटे छोटे कली भी दे रही हूँ और छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इस तरह से। इसमें ब्रश छोटे कम नंबर के ही लगेंगे, 2 नंबर और 1 नंबर यूज़ होंगे, और राउंड ब्रश भी घुमाओ के लिए, राउंड ब्रश ये लाइनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होंगे 1 नंबर। तो इस तरह से देखिए व्यूवर्स, मैं ड्रा कर रही हूँ ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही तिरछी लाइन दे देनी है और अगल बगल से छोटे छोटे फ्लावर और कलियाँ यूज़ कर देना, बना देना है। गाइज, मेरे गला ख़राब है थोड़ा, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा, अब थोड़ा आवाज़ मेरी भारी हो गई है। तो गाइस देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर को और कलियाँ बना लिए छोटे छोटे, और यहाँ पे मैं पत्ती दूँगी और बाकी पेंटिंग में इसे कवर कर लूँगी जहाँ जहाँ पे खाली है। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। गाइज, मेरी ब्यूटीफुल और हर तरह की डिज़ाइन देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें। और आपको अगर इस तरह की पेंटिंग आप लोगों को कुर्ती पे या बेडशीट वगैरह पे चाहिए, तो आप इसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कांटेक्ट करें, मैसेज करें। गाइस, आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। और आप लोगों को इसकी पेंटिंग अगली वीडियो में मैं बताऊंगी, अभी मैं इसे ड्रा करके और स्केचिंग करके बतला रही हूँ, तो आप लोग अगली वीडियो देखना ना भूलेंगे। गाइस, मेरे हर वीडियो पे आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत ही मुझे खुशी होती है और मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से, कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से प्यार बरकरार रखिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और मुझे हिम्मत देते रहिएगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी शेयर करती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ होल कर लिया, नीचे से गद्दा है और डिज़ाइन के नीचे से गद्दा, और मैंने इसे होल कर लिया। मैंने ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन नहीं दी है, बस छोटे से डिज़ाइन बनाया है, और इसे मैं किरोसिन ऑयल में चारकोल पाउडर डाल रही हूँ और कॉटन से मैं इसे बीच में कुर्ती के मैं छपाई करूँगी
ये छोटे डिज़ाइन है, बट इसे मैं जोड़ जोड़ कर लंबे डिज़ाइन कर दूँगी। मैं बीच से इसे तिरछे देना है। ये जो आप निशान कुर्ती पे देख रहे हैं, मैंने चौक मिट्टी से बनाने की कोशिश की थी बट नहीं बनाया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, मुझे यही आसान लगा, तो मैंने इस तरह से मैंने बनाया डिज़ाइन छाप कर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छपाई की, क्लियर नहीं दिख रहा है, पेंटिंग होने के बाद ही क्लियर दिखेगा। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने पेंटिंग किया और डिज़ाइन भी पूरी क्लियर दिखेगी आप लोगों को। तो देखिए तो इस तरह से मैंने डबल ये रिपीट करके डिज़ाइन को जोड़कर लंबी बना दिया, और थोड़ा सा मैं ऊपर में भी खाली लग रहा है तो वहाँ पे भी मैं दूंगी डिज़ाइन, तो पूरी कुर्ती पे आ जाएगी ये तिरछी डिज़ाइन। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू रहिएगा ज़रूर से, वो वीडियो देखना ना भूलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।